आप सभी को मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिज मोहन एक बार अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज से पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। और छठ पर्व में हम कैसे अपने आप को भगवान सूर्य के प्रति समर्पित करेंगे, समर्पण करेंगे, उसके लिए हम भगवान सूर्य के अलग अलग नामों से उपासना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए और सूर्य नमस्कार का यदि अभ्यास हम रोज करें, कम से कम 12 बार करें, तो ये हमारे लिए बहुत ही सुखद होगा और आरोग्यकारी होगा। उसके लिए भगवान सूर्य से हम आवाहन करते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्यम पादोदकम तीर्थम जठरम धारयाम्यहम्। और पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पोषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ऐसे हम 12 सूर्य नमस्कार का अभ्यास 12 मंत्रों के साथ, उसमें जो 12 स्टेप होते हैं उन 12 स्टेप में, 12 क्रम में एक एक मंत्रों का उच्चारण करके हम 12 बार, यदि प्रतिदिन हम विशेष करके 4 दिनों तक यदि हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो भगवान सूर्य की कृपा हमारे ऊपर और विशेष बनती है और हम अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम यह उपासना करते हैं। और भगवान सूर्य से हम यही निवेदन करते हैं कि भगवान सूर्य आपका जो प्रकाश है पूरे विश्व को प्रदान हो रहा है, आप पूरे विश्व को आप लाभान्वित कर रहे हैं। और कहा गया है कि जहां न जाए कवि वहां जाए रवि, अर्थात भगवान सूर्य की जो किरणें हैं वो हर जगह उपलब्ध हो पाती हैं और उन किरणों के माध्यम से पूरे संसार में जो अंधेरा है वो मिटता है। और उसमें भी हम एक मंत्र रखते हैं, इस बीच ओंकार का उच्चारण हम यदि बहुत बार करते हैं, लगातार करते हैं, 11 बार से 51 बार, 101 बार करते हैं, इसमें विशेष करके 4 दिनों में छठ व्रत का जो अनुष्ठान चल रहा है, आज नहाए खाए से लेकर के छठ व्रती अनुष्ठान की शुरुआत कर रहे हैं और पूरे शुचिता और धर्म प्रायणता के साथ, समर्पण के साथ यह पर्व को मनाया जाता है। और आज नहाए खाए पहला दिन, दूसरा दिन कल खरना कहते हैं जिसको लोहड़ भी कहते हैं, कल दिन भर व्रती उपवास रखते हैं और संध्या काल में मौन व्रत धारण करके और खीर का प्रसाद लेते हैं, दूध में चावल से बने हुए प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और परसों यानी तीसरे दिन दिन भर उपवास रखते हुए, यानी उपवास का क्रम तो कल शाम से ही प्रारंभ हो जाता है, पूरी रात्रि और परसों पूरे दिन और संध्या समय में परसों प्रथम अर्घ्य होता है अस्ताचल सूर्य को, यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके, और पुनः रात्रि भर उपवास, और अगले दिन यानी चौथे दिन सुबह सुबह में प्रातः बेला में उगते हुए सूर्य को यानी उदयाचल सूर्य को हम लोग अर्घ्य देते हैं, व्रती अर्घ्य देते हैं। और
उसी के साथ यह व्रत का पूर्णता हो जाती है और पूरे लोग विधि विधान के साथ अपने घर को वापस आते हैं और पूरे साल इस छठ व्रत का सूर्य उपासना के पर्व का इंतजार करते हैं और तैयारियों में लग जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी इसी प्रकार से भगवान सूर्य की अलग अलग नामों की उपासना करते हुए यदि ऐसा व्रत करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, विशेष लाभ मिलेगा। ओम।